एक बार कह दिया, बहस करने की जरूरत नहीं। रेट अपुन का है, अपुन जब चाहे तब चेंज करेगा। ए? साला तुमको धंधा क्या करने दिया, सर पे चढ़ के बैठ गया हा? अगर भाई को पता चला ना, साला तंदूर में डाल के तंदूरी बना के खा जाएगा। ए जाड़िए, भाई ने बोला ना, चल उठा अपना सामान। गन चल चल चल, हम मेहनत का काम नहीं करते क्या? देखता क्या है? बोला ना फुड़ा ऐसे। सर, वी आर नॉट ओपन यट सर, 6 PM सर, पर आपको अगर दारू चाहिए तो लाके देगा। मैं सब मैं अपने को दारू नहीं चाहिए, अपने उस लड़की से मिलना है जो कल रात में आई थी। सर वो मेरा बेटी है सर, उसको माफ कर दो सर, प्लीज सर, बच्ची है वो, कुछ भी बोलते रहती है सर, सर उसको माफ कर दो भाई। वो आप इधर कभी भी आएगा ना, मैं बिल नहीं बनाएगा। अपुन यहाँ पे लफड़ा करने नहीं आए हैं, अपुन को उस लड़की से मिलना है। क्या नाम बताया था तुमने उसका? रोजी, रोजी डिसूजा। क्या करेगा? बकवास कर रही है, तू अंदर जा। और ऐसे लोगों से तो अपन ही निपट लेगा। जब देखो साला हफ्ता मांगने के लिए आ जाता है, पापा एक बार अपने को बाहर पे बैठने दो, ऐसे लोगों को तो हफ्ता बिल्कुल नहीं देगा। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज। पाटिल साहब खामोश है, इसका मतलब नहीं कि तो कुछ भी बकवास करते जाएगी। अगर विष्णु ने सुन लिया तो हाथ लगा देगा इसमें। तू जा अंदर, मैं इनसे बात करता। मैं ये जो कर रहे हैं हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं बेटा। क्या भलाई पापा? साला हर हफ्ते मरो, उससे चाहे एक ही बार मार दे साला। तुम ही झेलो इन लोगों को, अपन नहीं झेल सकता। लिसन, श्रीधर पाटिल उस रात वापस आया था हमारे बार में, लेकिन उसके दिल में क्या था ये शायद उसको खुद को नहीं पता था। श्रीधर भाई, सिद्धर भाई गोली मत मारो, मेरा बेटी को गोली मत मारो। सिद्धर भाई माफ कर दो सिद्धर, आप ये बाहर ले लो पूरा पूरा पूरा, हम लोग चले जाए, मेरा बेटी को गोली मत मारो। आज के बाद नहीं दिखेंगे साहब। वो पैसा है जो इतने सालों से अपुन ने तुमसे लिया था, रख लीजिए। आप शर्मिंदा करें सब। अरे इतना शेमलेस है तुम्हें, तुम फिर आ गया। गेट अप पापा, तुम अभी अंदर जाएगा। गेट अप, चलो उठो, वैसे तुमने बहुत दारू पी लिया, चलो अंदर जाओ। आज तो हम इससे बात करेंगे, अंदर जाओ तुम। मैं बात करेगा बोला ना, क्या चाहिए तुमको, काहे के लिए तुम बार बार इधर आ जाते? ये क्या इतना सारा पैसा, इस पैसे के बदले में क्या चाहिए तुमको? दारू, माल, लड़की? इन चीजों से अपन का दिल उब गया है। तो नया क्या मांगता है तुमको? तेरे को यहाँ से बाहर निकालना है। क्या? तेरे को इस महल से बाहर ले जाना। हाँ हाँ सुना अपन ने, डेथ नहीं अपन, और ये नरक नहीं है, ये अपना घर है, घर। हाँ, बचपन में हमको बहुत डर लगता था, जानते किससे? तुम जैसा लोगों से। और हमारा पापा हमेशा ये कहता था कि तुम लोग ना एक नंबर का डेविल होता है, डेविल। ना हार्ट रहता है, ना वेन में ब्लड।
वो कोई और था जिसके बारे में रेमो ने तुम्हें कहानियां सुनाई। मैं नहीं था। बस साला तुम लोग लोगों का मर्डर करता है और खुद का हाथ पर सब नहीं करता, क्यों दर्द हुआ क्या? और तुमको क्या लगता है इतना करने से तुम्हारा सारा सिन धुलेगा नहीं? तुमको कुछ बहुत बड़ा करना होगा। और हाँ, ये जो पैसा है ना, ये जाके किसी चैरिटी में देना, शायद तुमको ब्लेसिंग मिल जाए। अभी छोटे से शुरू किया, आगे जाके इन ब्लेसिंग के लिए भी सब कुछ करूंगा। ए, हाथ नहीं लगाने का, प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारा। और एक बात याद रख, लड़की का हाथ पकड़ने में हिम्मत नहीं लगती, उसे ना छोड़ने में ताकत चाहिए होती है।